हे गाइस, दिस इज स्टैन आफ फुटबॉल, वेलकम बैक टू अच्छा। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेनली होता क्या है कि फुटबॉल एकेडमी हमें ज्वाइन करके रखनी चाहिए, लेकिन हमें वो राइट एज पता नहीं होती, वो सही एज पता नहीं होती कि हमें किस एज में फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, या फिर हमें जब तक पता चलता है, रियलाइज़ होता है, तब तक हमारी एज निकल जाती है, तो वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो एज होती है, एक परफेक्ट एज होती है फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो आपको तो यार डेफिनेटली ज्वाइन करके रखनी ही चाहिए, क्योंकि 10 साल से कम वाले जो प्लेयर होते हैं उनमें वो समझ नहीं होती, उनमें वो जागरूकता नहीं होती कि वो फुटबॉल सीख सके, या फिर इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर सके, या फिर फुटबॉल ट्रायल्स का पता कर सके। तो उनको तो यार कोच के गाइडेंस के अंडर ही रहना चाहिए। तो फुटबॉल एकेडमी उनको कंपलसरी होती है कि ज्वाइन करके ही रखनी चाहिए, 10 साल से छोटे हैं यार तो आपको ज्वाइन करके रखनी चाहिए। कोच आपको सही तरीके से सिखाएगा, कोच आपको ट्रायल्स के बारे में बताएगा, आपको टूर्नामेंट्स खिलाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा अगर आपकी एज 15 साल से कम की है तो आपको भी यार डेफिनेटली ज्वाइन करके रखनी चाहिए फुटबॉल एकेडमी, क्योंकि 15 साल से जो कम की जो उम्र होती है वो मानी जाती है एक मास्टरी की उम्र होती है, क्योंकि आप जो चीज़ें सीखते हैं वो चीज़ों को मास्टर करते जाते हैं। देखिए, 15 साल से कम के तो हर एकेडमी वाले ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर हर एक एकेडमी को देखे, 15 से कम तक के प्लेयर को तो वो डेफिनेटली ले ही लेते हैं। और ऐसा कोई समय देखिए, फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको एक वे एक रास्ता दिखाते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। फुटबॉल एकेडमी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके फुटबॉलिंग करियर में, तो फुटबॉल एकेडमी आपको ज्वाइन करके रखनी ही चाहिए। आपकी अगर एज 15 साल से कम है तो आपको एक बार तो कम से कम फुटबॉल एकेडमी तो ज्वाइन करनी ही चाहिए। और उसके अलावा मैं बताऊं, देखिए, अगर आपकी एज 18 या 20 साल भी है तो आपको कोई हर्जा नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फुटबॉल एकेडमी आपको भी ज्वाइन करके ही रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बताऊं, क्योंकि फुटबॉल एकेडमी या फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, देखिए एक बार आपका रजिस्ट्रेशन या हो जाता है उन क्लब से, तो उसके बाद आप उस क्लब के रजिस्टर प्लेयर बन जाते हैं, एकेडमी के रजिस्टर प्लेयर बन जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो लोकल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें आप खेल सकते हैं। जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के कभी भी आप नहीं खेल सकते लोकल लेवल के टूर्नामेंट, तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है आपके क्लब में या एकेडमी में। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तभी आप टूर्नामेंट्स वगैरह खेल सकते हैं, तो वो टूर्नामेंट से ही आपको ग्रोथ मिलती है। जी हाँ, इन्हीं टूर्नामेंट्स को खेलते खेलते ही आप आगे बढ़ते रहते हो, तो फुटबॉल एकेडमी आपको ज्वाइन करके रखनी चाहिए। देखिए, कोई मायने नहीं रखता अगर आपकी एज 20 साल से भी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा मायने ये रखिएगा कि 20 साल से अगर आप ज़्यादा के हैं, आपसे फुटबॉल बिल्कुल भी नहीं बनता, बिगनर हैं आप, तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अगर आपसे फुटबॉल बनता है, फुटबॉल सीखें, आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते हैं, तो फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज भले 20 साल से भी ऊपर हो तो भी आप फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता, देखिए कोई परफेक्ट मैं एज नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी एज अभी कम है, मतलब आप में उतनी समझदारी नहीं, 15 साल से कम है, तो आपको तो यार ज्वाइन करके ही रखनी चाहिए। एक अच्छी ग्रासरूट लेवल की एकेडमी को ढूंढ लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन करके ही रखनी चाहिए फुटबॉल एकेडमी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उन्हीं के तरीकों में आप भले फुटबॉल ट्रेनिंग, ठीक है, एकेडमी भी करिए, इंडिविजुअल भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, दो टाइम दे सकते हैं अपने आप को, एक फुटबॉल में भी, फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग करिए, उसके अलावा इंडिविजुअल। तो फुटबॉल एकेडमी मैं कहूँगा आप कंपलसरी के तौर पे ज्वाइन करके रखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एज मैटर नहीं करेगी कोई भी आपको फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करने में। लोकल लेवल की एकेडमीज हमेशा ज्वाइन कर लेती हैं यार, कोई एज मैटर नहीं करती उनके लिए। बड़ी बड़ी एकेडमी होती हैं वो थोड़ा सा एज का बाउंडेशन लगा के रखती हैं, लेकिन जो लोकल लेवल के आसपास की होती है वो डेफिनेटली आपको ले लेंगी फुटबॉल एकेडमी। थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, उनकी फीस वगैरह आप लोग मैनेज कर सकते हैं, देते रहिएगा और फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करके रहिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि फुटबॉल एकेडमी क्यों जरूरी होती, क्या एक रोल प्ले करती है, तो आप जरूर फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करके रखिएगा। तो और आई गाइस, यही था वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।